हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जादव ऑन फैमिली ब्लॉग। तो देखिए गाइस, यहाँ मैंने आज कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से मैंने ये कुछ ब्यूटीफुल से फ्लावर पॉट बनाए हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं अपने घर में कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद। उनका मैंने यूज़ किया है और देखिए, देखने में ये कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने इनको बटरफ्लाई शेप दिया है गाइस। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये मेरे फ्लावर पॉट कैसे लगे। और गाइस, मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये बोतलों से फ्लावर पॉट बनाना। तो देखिए, यहाँ मैंने ये बोतल ली है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है ये वही बोतल है। तो ये मैंने कटर की हेल्प से इसको बीच में से कट कर लिया है। हमें थोड़ा शॉर्ट में ही कट करना है। अभी मैं इससे कटर से कट करने के बाद इसको आपको दिखाती हूँ। अभी मैं ये कट कर रही हूँ। तो देखिए गाइस, ये मैंने जब कटर से कट कर लिया तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो मैं उसको एक लेवल में लाने के लिए कैंची की हेल्प से इसको राउंड शेप दे रही हूँ। बहुत ही सुंदर फ्लावर पॉट बना, जब ये आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में और आप आगे देखिएगा तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा कुछ डिफरेंट से फ्लावर पॉट। तो देखिए, ये मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। इसी तरीके से मैंने सारी बोतल, अपनी 7-8 बोतल थी, वो सारी मैंने इसी शेप में कट कर ली थी। तो मैं आपको राउंड से दिखा रही हूँ। देखिए, इसी तरीके से मैंने सिर्फ एक बोतल इसलिए दिखाई आपको कट करके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसीलिए। अब जो ये बोतल का ऊपर का पार्ट है गाइस, इसमें से हमें ये मैंने जो बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी काट के रखे हुए थे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, बट मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। तो ये ऊपर का जो बोतल का पार्ट है, हमें उसमें से ये कट करना है। आप चाहें तो पहले किसी स्केच पेन से निशान बनाने के बाद या उसको शेप देने के बाद कट कर सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरीके से किया था। तो देखिए, मैं ये कट कर रही हूँ, फिर कैंची की हेल्प से कट कर रही हूँ। इसी ऊपर के पार्ट में से हम जो बटरफ्लाई का जो पंख होता है, उसे हम इसमें से ही निकालेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही आसान है, बट बहुत सेफ्टी से करना है, केयरफुली करना है, हाथ कटने का भी डर रहता है। तो ये देखिए, मैं ये इसमें से निकाल लूँगी। फाइनली मेरा ये कट गया है। अब मैं इसको वही वाली शेप दूंगी जो मैंने आपको अभी दिखाया था, जो ऑलरेडी मैंने पहले से कट के। हमें जो बोतल का जो हमारा जो पार्ट है, ढक्कन हुआ, ऊपर का पार्ट हुआ, नीचे का, हमें ये सारा यूज़ करना है। देखो, मैं ढक्कन भी खोल रही हूँ, ये भी यूज़ होगा। तो देखिए गाइस, ये मैंने कट कर लिए हैं। अब इसको जो मैंने पहले से जो काट के रखा था, उससे उसकी शेप में ही इसको लेके आना है। तो मैं वही कर रही हूँ कैंची की हेल्प से। तो देखिए गाइस, ये मेरा बन के रेडी हो गया है। और बहुत ही सुंदर, जब मैंने ये फ्लावर पॉट बनाए तो बहुत ही सुंदर बन के आए और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सब लोगों ने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए, ये मैंने सारे इसी तरीके से, अपनी जो जितनी बोतल हैं इसी तरीके से मैंने कट कर लिए थे। मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ इसलिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो देखिए, मेरे हाथ में दिख भी रहे हैं आपको। बोतल पे ये मैंने स्केच पेन से निशान लगा लिया था, जहाँ मुझे नीचे अलग कलर करना है, बीच में अलग कलर करना है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कलर करिए। तो देखिए गाइस, ये रेडी हो गया है। तो हम चलेंगे अब अपने कलर की तरफ। तो देखिए, जहाँ मैंने निशान लगाए हैं स्केच पेन से, वहाँ मैं ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी। मैंने ये ब्लैक कलर यूज़ किया है, ये प्लास्टिक पेंट है जो छूटता नहीं है और इजीली शॉप पे कहीं भी मिल जाएगा। 40 रुपीज़ का ये आया है, 100 ग्राम का ये वो है, डब्बा है। तो आप कहीं भी किसी भी शॉप पे आप इसे ले सकते हैं, जो कलर आपको करना है वो कर सकते हैं। बट आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको ये फ्लावर पॉट बनाना समझ आएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे नीचे के पार्ट में और ऊपर के पार्ट में जो बॉर्डर बनाया है, मैंने वहाँ ब्लैक कलर किया। इसी तरीके से मैं सारी अपनी बोतलें जो मैंने कट की हैं, इसी तरीके से मैं सारी बोतलें कर लूँगी। और देखिए, आपको मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, अभी तो ब्लैक कलर हुआ है तभी इतना प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से मैं सारी बोतलों पर अपने ये कलर कर लूँगी गाइस। देखिए, ये कम्प्लीट हो गई है। मैंने ये जो बॉर्डर बनाए थे तो अपनी बोतलों पे मैंने ये कलर कर लिया है। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी ये 8 बोतलें थी, 8ों पे मैंने ये कलर कर लिया है। अब यहाँ जो हमारे जो ये कलर है, देखिए आपको नाम भी समझ में आ जाएगा, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही लें।
ये जो पंख हैं जो मैंने कट करे थे, अब इस पर भी मैं ब्लैक कलर ही करूँगी गाइस, तो देखते जाइए आप वीडियो में। मुझे इस वीडियो को बनाने में गाइस मुझे 3 दिन लगे थे, क्योंकि मुझे ये जो पेंट किया था मैंने ब्लैक कलर, इसको सूखने में भी टाइम लगता है धूप में। पहले मैंने ब्लैक किया फिर इसको सुखाया। तो देखिए गाइस, देखते रहिए मेरे वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। देखिए गाइस, फाइनली मेरा ये पंख जो थे उन पर फाइनली पेंट हो गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इन पर ब्लैक कलर किया है। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको सारे मेरे इन पर। अब जो ये ढक्कन रखे हैं जो ऊपर का, इस पर भी मुझे ब्लैक कलर ही करना है, तो इस पर भी मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ। तो देखिए, आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा और आपको ये वीडियो में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, आप अपने घर पर ट्राई भी कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी ही देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए इसी तरीके से मैं सारे ढक्कनों पर कलर कर लूँगी। और इसको जब कलर करने के बाद इसको अपने धूप में रखना है, जिससे कि ये सूख जाए अच्छे से। और ये अगर आप गीला इसको दोबारा दूसरा कलर करेंगे तो वो भी छूटने लगेगा, इसीलिए 1 दिन का टाइम तो लगता है गाइस, धूप में आपको रखना है इनको अच्छे से सूखने के लिए। तो देखिए मेरे मोस्टली सारे ढक्कनों पे ब्लैक कलर हो गया है। देखिए गाइस, अब जो ये बीच का जो बोतल का पार्ट था, मैं ये बताना आपको, बोतल कट करने में मैं भूल गई थी, तो ये बीच का जो पार्ट है इसको भी हम, इस टुकड़े को भी हम ब्लैक कलर से ही कलर करके रखेंगे। इसमें से जो बटरफ्लाई का जो आगे का हिस्सा होता है ना गाइस, जिसको हम डंक टाइप्स जो बोलते हैं, वो मुझे इसमें से कट करने हैं बारीक बारीक, तो वो आप बना सकते हैं। इसी में से जो बीच का जो बोतल का पार्ट होता है, क्योंकि वो राउंड होता है और हमें भी वो राउंड राउंड शेप में कट करना है, तो इसीलिए ये आपको कलर करना है। आप पूरी वीडियो में आप देख के समझ जाएंगे, अभी ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो देखिए ये भी हमारा फाइनली पेंट हो गया है। तो देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है, तो अब इन्हें हम सूखने के लिए रख देंगे। तो देखिए 1 दिन बाद मैंने, नेक्स्ट डे मैंने ये अपना पूरा आपको दिखा रही हूँ, सारे मेरे ये ड्राई हो गए, सूख गए मेरे अच्छे से, और जो मैंने बॉर्डर बनाया था वो भी हो गया। अब जो बीच का पार्ट है, अब इसमें हमें कलर करना है। तो देखिए ये भी सब सूख गए अच्छे से। तो यहाँ मैंने 3 कलर लिए हैं, वही कंपनी के हैं, आपको दिख ही रहा है। और यहाँ मैंने ब्लैक कलर किया था, ब्लैक के साथ मैंने रेड लिया है और येलो लिया है, ये 3 कलर हैं। ब्लैक का यूज हो चुका है, अब रेड और येलो की बारी है। तो मेरे वीडियो में मेरे साथ ही बने रहिए, तभी आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले रेड कलर का यूज़ करूँगी, और जो बीच का पार्ट हमने खाली छोड़ा था उसमें मुझे ये रेड कलर करना है। आप देख ही पा रहे हैं कि मैं रेड कलर कर रही हूँ। इसी तरीके से हम सारी बोतलों पे अपना ये रेड कलर कर लेंगे गाइस। तो देखिए मेरी वीडियो। Thank you.
देखिए गाइस, फाइनली हमारी बोतलों में पेंट हो गया है रेड कलर। तो देखिए मैंने आपको दिखा दी, चारों रखी हैं, बाकी की जो बची हैं इस पर हम दूसरा कलर करेंगे। जो येलो मैंने बताया था वो कलर हम इन पर करेंगे। तो इससे दो कलर की बोतल फ्लावर पॉट बनाने से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने टू कलर का यूज़ किया। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपको रेड और येलो ही करना है, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए। तो देखिए यहाँ पे अब मैं येलो कलर कर रही हूँ। अब जो हमारी चार बोतल बची हैं हम इन पर येलो कलर कर लेंगे। तो देखिए बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ। तो देखिए गाइस, मेरी यहाँ ये चारों बोतलों पे येलो कलर भी हो गया है, आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। देखिए फाइनली हमारा यहाँ भी ये बोतलों पे, सारी बोतलों पे कलर हो गया है। मैंने यहाँ चार बोतल रेड कलर की बनाई हैं, चार येलो कलर की बनाई हैं, बाकी का आप देखो अच्छे से कितनी प्यारी लग रही हैं। अभी तो सिंपल एक कलर ही हुआ है। अब बारी है जो हमने ये जो पंख रखे थे ब्लैक कलर करके, अब इन पर हम ये डॉट डॉट थोड़ा बूंद की टाइप रखेंगे, जिससे कि जो बटरफ्लाई का शेप है हम दे पाएंगे अच्छे से। तो देखिए मैं करके आपको दिखा रही हूँ कैसे करना है आपको। अगर आपके पास ईयरबड हो उससे कर सकते हैं, या किसी स्टिक छोटी सी पतली सी पिन पे, या किसी उस पे आप कॉटन फोल्ड करके उससे कर सकते हैं। मैंने ये ब्रश से ही कर दिया था। तो देखिए मैं ऐसे डॉट डॉट बना रही हूँ, और इसी तरीके से मैं जो रेड वाले जो पंख हैं उन पर भी मैं कुछ पंखों पे मैं रेड कलर की डॉट डॉट करूँगी, बट वो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊँगी क्योंकि एक मैंने दिखा दिया। अब आपको उसी हिसाब से आपको करना है, बहुत ही इजी है। तो देखिए गाइस यहाँ फाइनली हो गया है। तो अब जो मैंने बड़ी बड़ी डॉट डॉट रखी थी, अब मैं ईयरबड की हेल्प से जो गैपिंग दिख रही है आपको, तो इस पे मैं ईयरबड की हेल्प से छोटी छोटी डॉट डॉट और कर दूंगी, जिससे और सुंदर लगेंगे ये सारे पंखों पे जिन पे मैंने येलो कलर किया है, जिस पे मैंने रेड किया है। तो आप देखिए इसको और सुंदर बनाने के लिए आप इस ईयरबड से छोटी छोटी डॉट डॉट भी कर सकते हैं। देखिए बहुत मेहनत लगी थी गाइस, बट मेहनत मेरी सफल हुई, बहुत प्यारा बन के आया फ्लावर पॉट, सभी को बहुत अच्छा लगा था। तो आप अपने घर में प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट्स करके कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे फ्लावर पॉट कैसे लगे। तो फाइनली हमारा ये हो गया है, और एक दिन बाद जब ये सूखने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे हमें कसना है। ये एक नुकीली सी कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं, उससे आपको पहले से छेद करना है। मैंने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है गाइस, ऑलरेडी वैसे ही बहुत हो गई है। तो देखिए इससे इस तरीके से आपको इसमें एक घोल करना है, ऐसे ही जो पंखा जो पार्ट है आगे का उसमें भी एक इसी की हेल्प से नुकीली चीज़ से एक घोल करना है, एक एक दोनों में। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले से करके रखे थे गाइस कि मैं आपको समझा पाऊँ, बोतल में भी मैंने करके रखा था। फाइनली अब इसको कसने की बारी है। एक पेच लेंगे हम, वो इजीली घर पे मिल जाता है सबके, या नहीं है तो स्टोर से लेके आ सकते हैं आप, और ये पेच कस की हेल्प से हम इसको कसेंगे। तो देखिए मैं इसको आपको कस के दिखा रही हूँ इस तरीके से। मैं पूरा एक आपको फ्लावर पॉट बना के दिखाऊंगी ये
कैसे कैसे इसके पार्ट जुड़ने हैं। तो देखिए ये मैंने कस लिया और इसमें अब जो पंख हैं, पंख में मैंने जो किया था, छेद किया था, उसको मैं उसमें डाल दूँगी। इसी तरीके से मैं दोनों को डाल दूँगी इसी में फंसा के, और पेचकस की हेल्प से इसको कसूँगी, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हार्ड होती है तो वो अंदर नहीं जा रही थी। और केयरफुली आप गाइस करिएगा। देखिए ये बन के रेडी हो गया है, मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ। देखिए अब मैं पेचकस की हेल्प से इसको कसूँगी। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हो, आप करो तो सब कुछ कर सकते हो। तो देखिए फाइनली ये मैंने इस तरीके से, अब हमें जो मैंने बोतल में छेद किया था उसमें इसको कस देंगे गाइस, तो उसमें ये टक हो जाएगा इससे पेच की हेल्प से और निकलेगा भी नहीं बिल्कुल भी कभी भी। तो देखिए ये रेडी बन हो गया है बनके, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्रिटी लग रहा है गाइस। देखिए ये हमारा फ्लावर पॉट बनके रेडी हो गया है। अब बारी है जो मैंने बोतल का जो बीच का पार्ट जो पेंट किया था उसमें से मैंने क्या कट किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पहले आप मेरा पॉट देखिए कैसा लग रहा है, उसको बताइए। बहुत ही सुंदर बन के आया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने बता रही थी मैं आपको, जो बटरफ्लाई का जो ऊपर का पार्ट होता है वो भी बनाना है। तो मैंने वो गोल गोल पतले पतले वो काट के और राउंड शेप दे दिया था उनको फिंगर की हेल्प से। इस तरीके से हमें ये टक करना है। आप स्टेपलर से इसे टक कर सकते हैं या किसी से चिपका सकते हैं फेविक्विक से, मेरे पास कुछ था नहीं इसीलिए मैं आपको इस तरीके से करके दिखा दूँगी, मैं बाद में उनको टक कर लूँगी गाइस। देखिए ये हमारा बटरफ्लाई फ्लावर पॉट बनके रेडी है और ये मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से बनाया है गाइस, कितना प्यारा है। देखिए थोड़ी सी पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है गाइस क्योंकि मैं गांव में हूँ। तो देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, फाइनली सारे मैंने पहले से ही बना के रखे थे, बस एक आपको मुझे बना के दिखाना था। तो देखिए ये हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं बटरफ्लाई फ्लावर पॉट, वो भी मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से बनाया है गाइस। मैं इसमें प्लांट्स अगले वीडियो में दिखाऊंगी लगा के, कि प्लांट्स लगाने के बाद ये कितना सुंदर लगेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ 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 गाइस बताइएगा मेरा ये कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से ये बटरफ्लाई फ्लावर पॉट कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इसमें प्लांट लगाना बताएँगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।